समय हो गया आर्य सहदेव, आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। चिंतित ना हो पांचाली, हम पांचों एक दूसरे की ढाल हैं। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट, जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में। ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे। आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर, पांचाले इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम पति ओ अर्जुन जो पशु पातास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है,
अब बाकी बचे नकुल सहदेव, सुकुमार, कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा, हा? तुम्हारी ननद का पति हूँ मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम, बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। No.